देश के सभी पशुपालक मित्र और डेयरी फार्मर किसान भाइयों को ब्रजेश तिवारी का राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, सभी को आदाब। मित्रों, आज हम आप लोगों को जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये भैंसे सेल आउट होके देवास के खाते गांव जा रही हैं, और ये वीडियो आप लोग लाला भाई के यहाँ से देख रहे हैं। इसमें जो आप लोग ये पहली पाड़ी देख रहे हैं, दूसरे ब्यात की पाड़ी है, बहुत बढ़िया आंचल की बनावट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, टोपली पाड़ी है, और इसको जो देवास के किसानों ने खरीदा है 1.5 लाख रुपए में खरीदा है। आप ब्रिड की गुणवत्ता देखें, टोपली है, और दूसरी जो उन्होंने खरीदा है 1,15,000 में खरीदा है। तो आप लोग किसान का इंटरव्यू भी जरूर सुने। आपका गांव का नाम कौन सा है भैया? खाते गांव। खाते गांव किधर आया? खाते गांव देवास जिले में। देवास जिले में आप किसके पास खरीदी के लिए आए हो? लाला भाई के पास, भावनगर। आप कितनी भैंस खरीदी की अभी? 2 भैंस खरीदी की अभी। ये भैंस आपने कितने पैसे रुपए की खरीदी? 1,15 की खरीदी। 1,15 की। इसका अभी आपने दूध निकाल लिया अपने हाथों से? हाँ, अपने हाथों से निकाल लिया, बढ़िया दूध निकला उसका। कितना निकला अभी? अभी 7 लीटर निकला, 6-7 दिन की जनी हुई है। और मालिक ने क्या बोला? 7 लीटर की बोला। जो मालिक ने बोला वही दूध निकला ना? सही, वही दूध। आपने 2 भैंस लिया ना? 2 भैंस लिया। दोनों जनेली मिली? दोनों जनेली, दोनों का दूध लगा के लिया। दूध लगा के लिया। आपका लाला भाई का व्यवहार कैसा रहा? बहुत साफ सुथरे व्यवहार है, अच्छा है, खाने पीने की सारी व्यवस्था, घुमाने फिराने की, तो माल भी अच्छा दिलाता है। कोई भी अपने पास आने चाहे तो आराम से आ सकते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार है, आराम से आ सकते हैं, अच्छी भेज दिलाते हैं। कोई धोखेबाजी, कोई गलत काम तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं, कोई धोखेबाजी भी नहीं, गलत काम भी नहीं, साफ सुथरा काम। और लोगों के साथ व्यवहार कैसा है उसका? बहुत अच्छा व्यवहार है, किसानों के साथ भी और जो वहाँ से खरीदने आते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रहता है। ठीक है, अच्छी मिली, दूध निकाल लिया।